हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीमा कर्मियों ने कई मांगों पर की चर्चा। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन उत्तरी क्षेत्र की दो दिवसीय वर्किंग कमेटी का सम्मेलन रविवार को यहां चौपासनी रोड प्रथम पुलिस स्थित एक होटल में संपन्न हुआ। सम्मेलन में बीमा कर्मियों ने कई मांगों पर और प्रस्तावों पर चर्चा की। एसोसिएशन के जोधपुर संभाग के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह देवड़ा और सचिव शर्म प्रदीप ने बताया कि सम्मेलन का शुभारंभ कृषि बीमा के सेवानिवृत्त सीएमडी सुपारस भंडारी और नेशनल इंश्योरेंस की मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक श्रीमती आरएस दत्त द्वारा किया गया। जीआईईए उत्तरी क्षेत्र के इस दो दिवसीय सम्मेलन को एसोसिएशन के अध्यक्ष एनपी उपाध्याय, उपाध्यक्ष अजय बाकेर, जनरल सेक्रेटरी त्रिलोक सिंह, वर्किंग कमेटी मेंबर संजय बग्गा सहित करीब 102 लीडरों ने संबोधित किया। सम्मेलन में कर्मचारियों के भविष्य और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए एसोसिएशन द्वारा की गई गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया और भारत सरकार की साधारण बीमा की चारों कंपनियों की मर्जिंग और वेतन निर्धारण, पेंशन का एक अवसर प्रदान करवाना, 2004 के बाद पेंशन योजना और लागू करवाना, प्रमोशन पॉलिसी से बेहतर सुधार करवाना सहित अन्य विषयों से अवगत करवाया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि 17 जनवरी को बीमा कर्मी और सभी संगठन हड़ताल में भाग लेंगे, जिसमें मुख्य मांगे महंगाई, रोजगार के अवसर, न्यूनतम मजदूरी 18,000 रूपए, न्यूनतम पेंशन 6,000 रूपए, साधारण बीमा कंपनियों के शेयर्स का बाजार में बेचने का विरोध और अन्य मांगे सम्मिलित हैं। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।